Okay. हमारे पास एक बैक सोर्स थी, हमारे पास सर का नाम था अंदर साहब
भी ऑब्जेक्शन करती है, दो सबाब भी होते हैं, साथ देने वाले बहुत कम होते हैं, छूटने वाले मतलब बहुत ज़्यादा होते हैं। तो मैं ये पूछना चाहूँगी कि कितने साथ देने वाले थे, कितना साथ छोड़ने वाले थे? अच्छा, बस सिर्फ एक मेरी माँ की वजह से, बाकी ये तो माँ तो फिर माँ होती है, माँ एक हस्ती ऐसी है कि माँ चाहती है मेरा बच्चा जो है ना प्राइम मिनिस्टर बन जाए, मेरा बेटा सब कुछ कर ले, लेकिन माँ की दुआएं फिर हमें बहुत आगे लेके जाती है। माँ की दुआ अलीना एक ऐसी चीज है जो आपको मौत के मुंह से बाहर निकाल देती है। अगर आपके पास माँ है तो आप इस दुनिया की सबसे, मेरे पास वेडिंग नहीं है, यानी कि सबसे खुश नसीब इंसान है। और आज कल के दौर में जो हम जैसी जनरेशन है, मुझे खाली था कि आपको पेड़ा के लोगों को कदर नहीं रही है, माँ बाप कदर नहीं रही, कदर नहीं है, वक्त नहीं रहा, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में आप? वो इंतहाई बेवकूफ लोग जो ये सब करते, उनको चाहिए लाख काम करें, सब कुछ करें, लेकिन मिनिमम एक घंटा अपने पेरेंट्स को जरूर, क्योंकि मुझे लगता है माँ बाप हमसे सिवाय वक्त कुछ भी नहीं मांगते, कुछ भी नहीं मांगते, उनको क्या चाहिए होता है यार मोहब्बत, इसके अलावा कुछ और नहीं चाहिए। सही बात है। अब्दुल्ला जो अगेंस्ट थे, जो हेटर्स थे, उनको कैसे डील किया? नॉट इंटरेस्टेड। ओके, मतलब अब्दुल्ला ने कहा हार्ट में जो मेरी बला से ऐसा ही है। एग्जैक्टली। पूछने वाली भी मैं आपसे, लोग ना जब कोई बंदा सेलिब्रिटी बन जाता है ना, तो उनको बड़ी क्यूरियोसिटी होती है कि आपकी जिंदगी में क्या चल रहा है, बंदा सिंगल है या मिंगल है या इसकी क्या आगे की प्लानिंग है। तो मेरा भी सवाल है कि भाई सिंगल है, मिंगल है, शादी कब कर रहे हैं, कोई है जिंदगी में, क्या सब है आपके? लेकिन आजकल की लड़कियों को बोलूंगा कि अपने दिल थाम के रखें। ओके, मैं सिंगल नहीं हूँ। ये तो यहाँ पे आपने दिल तोड़ दिया देखने वालों का दिल। अब क्या करें, जिसका दिल लगना होता है तो उसका हाँ, किसी और का, यानी कि मेरा दिल अगर तोड़ दिया तो मेरे लिए मसला बन जाएगा। सही है, यानी हम आपकी बहुत जल्द हमारे यहाँ जो है ढोल बाजे बजने वाले, ऐसे ही है तो शनाइयों पे याद है, मैं आपसे कुछ सुनना भी चाहूंगी अगर आप हमें सुनाना चाहें। ईद का मौका है अलीना, तो मैं चाहता हूँ कि कोई खुशी की चीज मैं आपको सुनाऊं। बिल्कुल बिल्कुल। मामूजान ने एक चीज बहुत प्यारी बनी थी, तो वो सुनाते हैं आपको। बिल्कुल, सभी खुश सभी खुश है, खुदाई भी खुदा भी अली के साथ है, जारा की शादी अली के साथ हजारा की शादी, लड़का है खुदा के घर का, लड़की है नबी के घर की, अर्ज समा का मालिक वो मलिका बहरोबर की, अर्ज समा का मालिक वो मलिका बहरोबर की, जमीन रक्सा आसमां भी अली के साथ है, सहारा की शादी अली के साथ है, सहारा की शादी, हाँ ये शादी है, ये शादी है, ये शादी है, ये शादी है, कुदरत की तरफ से उनको अब तोहफे और मिलेंगे, कल उनके हसी आंगन में वो असली फूल खिलेंगे, कल उनके हसी आंगन में वो असली फूल खिलेंगे, हसी सिजर हसी सिजर हसी सिजर जिन्हें देंगे सलामी, अली के साथ है सारा की शादी, ये शादी है। माशाल्लाह माशाल्लाह, जादू है आवाज में। असल एक लम्हे को मुझे लगा कि शायद मैं सर हमजा साबरी को ही सुन रही हूँ, और मेरा ड्रीम जो है वो पूरा हो गया कि कभी मैं उनसे मिल पाती। दिस इज कॉल्ड लेगेसी। एग्जैक्टली, जो आपको आपके वर्षे में मिला है वो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट रखता है। Exactly. और मैं हो गए, मेरा खानदान भी और लोग हो गए, जिनको भी यानी कि हम अपने आप को और कुछ नसीब करना चाहते हैं। ये खुदा का तोहफा, मुझे लगता है कि एक खुदा ने आपको तोहफा दिया कि आपकी आवाज में वो जादू रखा है कुदरती तौर पे। और मुझको और मेरे चाहने वालों को बहुत प्राउड होता है इस चीज में। जाहिर सी बात है।
हम ये सोचते हैं कि हम जस्ट शादी की पिच पर कोई नहीं कर सकते, नॉट पॉसिबल बट हम कोशिश जरूर कर सकते, हम कोशिश कर सकते हैं कहीं ना कहीं उनसे थोड़ा सा, उनकी उनकी जगह तो कोई नहीं ले सकता, वो तो उनकी जगह पे कीमत है, लेकिन उनकी कमी पूरी करने की 1% हम कोशिश कर सकते हैं। मैं बोलता हूँ दिस इज 0.0 एग्जैक्टली, एंड आप जब कोशिश करते हो तो आप पूरी ताकत, पूरी पावर, फुल कंसंट्रेशन, आपका फोकस जो होता है वो आपका काम होता है। एग्जैक्टली, बिकॉज जब तक दिखेगा नहीं तो बिकेगा। इसमें कोई शक नहीं, और दिखने बिकने से मुझे याद आया, बड़ी खूबसूरत आपने मंकबत पढ़ी है, लेकिन संरक्षण की कमाल भी आप बहुत जबरदस्त है। तो देखने वाले अगर चाहें कभी आपको किसी कवाली नाइट में बुलाना, तो कोई मैनेजर आपको मैनेज कर रहा है, क्या है आप जरा उनके बारे में बताएंगे, यानी बिजनेस डिटेल्स मैं आपसे ले रही हूँ। वेल वैसे तो हर कोई मुझसे मेरी बिजनेस डिटेल्स नहीं लेता, बट चले मैं फिर भी आपको दे देता हूँ। ये अलीना फातिमा का शो है, तो वो कुछ भी पूछ सकती है। पूछ अलीना फातिमा, नॉट इंटरेस्टेड। ओह माय गॉड, मतलब मेरे शो में बैठ के सर ने मेरी बेइज्जती कर दी। आगे बढ़े, हम पूछ रहे हैं आपकी बिजनेस डिटेल, कौन आपको मैनेज करता है, क्या प्रोसेस होता है। आपने एक नाम सुना होगा अब्दुल वहाब साईं का। बिल्कुल, अब्दुल वहाब साईं जिनको मैं प्यार से छोटा चेतन नहीं कहता। ये छोटा चेतन क्या और किस लिए है? तो से वहाँ मैंने कुछ नहीं बोला। तो बस ही अच्छा, जज्बाती बहुत ज्यादा है उनको, यानी लाइक उसको बच्चों की तरह कभी कभार उनको समझाना भी पड़ता अच्छा। है कि ऐसे नहीं आई, ऐसे लाइक यार ये क्या हो गया, दिस इज ओके वेरी नाइस। अच्छा ये मैं अभी सोच रही हूँ कि जब आप उनके मैनेजर का कहते छोटा चेतन, घर से आके क्या बोलने वाले। एनीवेज गाइस, आपको शो कैसा लगा आप जरूर बताएं, लेकिन जाने से पहले मैं आपको थैंक यू सो मच कहूंगी कि आपने अपना कीमती टाइम हमें दिया, और जो देखने वाले उनको लास्ट मैसेज क्या देना चाहेंगे आप? मेरा लास्ट मैसेज ये है कि जितनी आप लोग इंसानियत की खिदमत कर सकते हैं बढ़ चढ़ कर करें, क्योंकि याद रखिएगा दरअसल है मखलूक की खिदमत ही इबादत, दरअसल है मखलूक की खिदमत ही इबादत, अल्लाह तो किसी चीज़ का मादा है। और ठीक काम, मेरी शादी होने वाली बहुत मुबारक हो।